गुड आफ्टरनून दिलीप भाई, वेलकम टू फीटी। गुड आफ्टरनून, आज ज्वाइन होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कैसे हैं आप? बस ठीक हूँ एकदम, ऑल गुड। बढ़िया बढ़िया। सो दिलीप जी, सबसे पहले मैं आपके बारे में कुछ जानना चाहूंगी, आप अपने और अपने बिजनेस बैकग्राउंड के बारे में कुछ बताएं। मैं सूरत से हूँ, मेरा नाम दिलीप भाई है। मेरा बिजनेस सूरत में जो है रेस्टोरेंट का है। ओके, कितने वक्त से आप इस बिजनेस में हैं? मैं हमारा ये फैमिली बिजनेस है, वैसे तो हमारा ये बिजनेस 8 साल पुराना है, लेकिन एक्टिवली मैं 3 साल से इसमें काम कर रहा हूँ। और बाकी मेरा फार्मा का बिजनेस भी है, जो बिजनेस हमारा 15 साल से चल रहा है, फार्मा फील्ड में हम लोग काम कर रहे हैं। ओके, सो आपका हमेशा से आप बिजनेस में ही रहे हैं? यस, बिजनेस पहले से। ओके, दिलीप जी, आप और भी कोई कंट्रीज घूम कर आए हैं? जी हाँ, मैं घुमा हूँ। मैं यूके गया हूँ, सिंगापुर गया हूँ, यूएस गया हूँ, और बाकी छोटी जो थाईलैंड वगैरह वो सारी कंट्री घुमा हुआ हूँ बहुत सारा। कोई कोई कंट्री में तो तीन तीन बार भी जाकर गया हूँ। That's nice. तो दिलीप जी, आपका ऑस्ट्रेलिया चूज करने का क्या रीजन था? ऑस्ट्रेलिया चूज करने के मेरे दो रीजन था। एक तो वेदर, बेसिकली कनाडा वगैरह, मैं कनाडा भी गया हूँ, तो कनाडा में इतनी ठंड होती है कि मैं गोल 6 महीने हम लोग बाहर अपना, ये जो इंडिया में हमारा जो हुआ है पूरा, जो हम लोग पले पाले इंडिया में है, तो हमारा वेदर हम लोग वो एकदम जो है चिली वेदर वो हम लोग नहीं कर सकते। यूके में भी वेदर इतना है, ऑस्ट्रेलिया का वेदर भी एक फर्स्ट ऑफ वेदर जो है अपने सिमिलर इंडिया जैसा ही है, तो एक वेदर का रीजन था। दूसरा था ऑस्ट्रेलिया का जो वेलकमिंग नेचर जो है, ऑस्ट्रेलियन पीपल्स का, ओसीज का, जो कि लोग वहाँ के लोग जो होते हैं वो बाहर के जो भी कंट्री से लोग आ रहे हैं उसको वेलकमिंग कर रहे हैं, खास करके बिजनेस वाले को, तो वो लोग एकदम वेलकम कर रहे हैं कि वहाँ पे कुछ बिजनेस करे और वहाँ की इकोनॉमी पे कुछ हेल्प करे। तो और वहाँ पे पॉपुलेशन भी बहुत कम है, क्या आने वाले दिनों में जो इतना बड़ी जगह है उनके पास और पॉपुलेशन कम है, वहाँ का लाइफस्टाइल अच्छा है, वैसे भूलने जाओ तो बहुत सारा ऑस्ट्रेलिया का अच्छा है, तो इसलिए मैंने ऑस्ट्रेलिया चूज किया। दिलीप जी, आप फिनिक्स के टच में कैसे आए, कैसे ढूंढा आपने फिनिक्स को? एक्चुअली फिनिक्स से टच में मैं आया, मैंने होर्डिंग देखा था, तो मेरा अंदर से मुझे, मैं ढूंढ तो रहा ही था किसी को कि मुझे कुछ अच्छी एक एजेंसी मिल जाए कि जो मेरी पूरी प्रोसेस करे, क्योंकि बिजनेस वीजा की प्रोसेस जो होती है बहुत वो एकदम लेंथी भी होती है और वो थोड़ा उसमें एक्सपीरियंस वाला भी चाहिए, कोई नया अपने एजेंसी या जो भी मिल जाए, जो भी अपने को कोई ऐसी फॉर्म नई वाली, तो ऐसा मैं नहीं चाहता था। तो मैं ऑस्ट्रेलिया में ढूंढ रहा था कि मैं ऑस्ट्रेलिया की कोई फॉर्म को हायर करूँ कि जो मेरी फाइल प्रोसेस करे पूरी। तो बेसिकली मैंने वो होर्डिंग देखा, फिर मैंने होर्डिंग में कॉल किया कि मुझे ऐसा ऐसा करना है, फिर उनके बाद में उन लोग का जो वन बाय वन जो रिप्लाई आया, पॉइंट टू पॉइंट रिप्लाई, तो उनसे मैं थोड़ा हैप्पी था, तो मैंने सोचा कि नहीं उनके बारे में कुछ मैं थोड़ा देख लेता हूँ, उसके बारे में जान लेता हूँ लोगों से कुछ, कहीं ना कहीं से ऑनलाइन रिव्यू वगैरह सब कुछ, तो मैंने वो जाना देखा। फिर मुझे लगा कि नहीं, इंडिया में तो जो फिनिक्स है वो सबसे अच्छा काम कर रही है, तो फिर मैंने फिनिक्स को चूज किया। थैंक यू सर। सो सर, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा फिनिक्स के साथ? अभी तक तो बहुत अच्छा है, ओके जैसे जितना ये तो क्या होता, फाइल जो अपनी रखते हैं उस पूरी प्रोसेस से लेके अभी तक बहुत बार फोन पे मिलना जुलना रहता है, रूबरू भी मिलना बहुत बार हो चुका है, तो धीरे धीरे सबका क्या है कि एक दूसरे को थोड़ा वो नजदीक भी आ गए जान पहचान के लिए, तो वैसे भी बहुत अच्छा है, और कामकाज जो होता है जो प्रोफेशनली एकदम प्रोसेस वो भी अच्छा है, तो अभी तक का क्या है, ऑल ओवर एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा है, ऐसा बताना चाहूंगा। सर, ड्यूरिंग दिस कोविड टाइम, जब आपका फाइल हमने लगवाया उस टाइम से कोविड चल रहा है, तो फिनिक्स की टीम की तरफ से कोई दिक्कत आई? उन्होंने अच्छे से आपसे कोऑर्डिनेट किया था, नहीं किया था, अवेलेबल थे, नहीं थे? नहीं, वैसे कोविड तो सारे थोड़े बहुत तो डिस्टर्ब हुए ही थे, लेकिन मुझे ऐसा कोई, मेरी फाइल में कोई प्रॉब्लम नहीं आया था पूरी प्रोसेस में, क्योंकि इसमें थोड़ा बहुत गवर्नमेंट के साइड से आया था उधर से कि वो टाइम से खोल नहीं रहे थे, वो कभी कभी आंसरिंग नहीं आ रहा था, तो 3-4 महीना ऐसा थोड़ा रहा था भाई, अभी आगे क्या होगा, आगे फाइल का जो नॉमिनेशन डालते उसका क्या होगा, नहीं होगा, कब खुलेगा, क्या खुलेगा, वो थोड़ा वरी था, लेकिन इन लोग का जो इन्फॉर्मेशन पास ऑन करते थे
वो रेगुलर कर रहे थे, कभी ये यहाँ प्रोसेस पहुंचा है, यहाँ पहुंचा है, एवरी टाइम मैसेजेस मेल और कॉल करके भी बता रहे थे। और कोविड के जो ये पूरा ड्यूरिंग जो कोविड अभी भी चल ही रहा है, लेकिन जो था उसमें उस टाइम में कोई ऐसा दिक्कत नहीं हुआ था क्योंकि सारा काम और सारा फॉलोअप होता रहता था। सर आपकी नॉमिनेशन कितना टाइम में आई थी? नॉमिनेशन 15 डेज में आई थी। जैसे नॉमिनेशन डाला था उसका 15 दिन में आ गया था नॉमिनेशन अप्रूवल। पंद्रह दिन में आ गया था। थैंक यू सर। आपका फीनिक्स का जो आपको जो फर्स्ट डे पे फीनिक्स ने प्रॉमिस किया था दैट हम ये सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, हम इस स्टेज पे इस तरीके से आपके साथ रहेंगे, वो उन लोगों ने प्रॉपरली डिलीवर किया या अंडर डिलीवर किया? नहीं एग्जैक्टली मैं बताना चाहूँ तो ये पूरा एकदम क्लियर प्रोसेस है पूरा। उन लोगों ने पहले से जो बताया था सब कुछ पहले ही बता दिया था, कैसे काम होगा, कैसे सब कुछ चीज होगा, प्रोसेस कैसे होती है, कैसे डॉक्यूमेंटेशन होगा, पूरा सारे चीज उन लोगों ने पहले ही बता दिया था, बाद में ही काम चालू किया था पूरा। तो उसी हिसाब से पूरा काम उसी हिसाब से ही चल रहा है। तो उन लोगों ने जो डिलीवरी दिया है अभी तक जो उसने एग्रीमेंट किया था और उसने जो बताया था उसी हिसाब से ही डिलीवरी दिया है, उसी हिसाब से उसने उससे ज्यादा दिया है क्योंकि बहुत सारे क्वेरी रहती है, बहुत सारा अपना ये जो चीज में होता है उन लोगों ने बहुत ज्यादा दिया है। कुछ भी चीज का होता है तो ऐसा नहीं, प्रोफेशनल जैसे नहीं होते कि भाई नहीं ये हमारा नहीं, हम नहीं कर सकते, ऐसा नहीं वैसा नहीं, ऐसा नहीं, सब कुछ मतलब में जो भी है क्लाइंट को वो लोग फर्स्ट प्रायोरिटी रखते थे कि क्लाइंट सबसे पहले, क्लाइंट का काम होना चाहिए, क्लाइंट हमारे लिए सब कुछ है। तो वो मुझे बहुत अच्छी चीज लगी। थैंक यू सो मच सर। आप कोई रिकमेंड करना चाहेंगे, बहुत सारे हमारे क्लाइंट्स जो अब हमारे क्लाइंट बनने वाले वो ये वीडियो देखने वाले, उनको कुछ कहना चाहेंगे आप? एक चीज बोलूंगा, आप अगर इंडिया से है या आपका कोई अगर रिलेटिव ऑस्ट्रेलिया है और ऑस्ट्रेलिया से वो अगर चाहता है कि भाई मेरा कोई रिलेटिव का मैं फाइल रखूं उसका प्रोसेस कराऊं, या आप इंडिया में है और आपको इंडिया में अगर प्रोसेस करना है, तो मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि ऑस्ट्रेलिया के लिए तो फिनिक्स एक ही है कि जिस पे आप भरोसा कर सकते हैं, अदरवाइज आपको या तो ऑस्ट्रेलिया की फॉर्म लेनी पड़ेगी कोई भी। इंडिया के लिए तो एक ही है फिनिक्स, तो आप उसके ऊपर बेझिझक आप भरोसा कीजिए, एकदम क्लियर काम है और वो काम दिखता भी है, ऐसा नहीं है कि ऑन पेपर है काम। आपको बहुत सारी नॉमिनेशन मिलेगी देखने को, उनका प्रॉपर काम का तरीका देखने को। तो मैं सबको रिकमेंड करूंगा कि आप अगर इंडिया से प्रोसेस कर रहे हैं तो आप फिनिक्स पे भरोसा कर सकते हैं और भरोसा करके आपका जो भी प्रोसेस होगा वो आपको 100% पॉजिटिव में आपको मिलेगा। थैंक यू सर। सर फीनिक्स टीम के लिए कोई रिकमेंडेशन, हमको कहीं कुछ चेंज करना चाहिए, कहीं कोई आगे पीछे करना चाहिए? देखो एक्चुअल में आप टाइम के हिसाब से तो आपका चल ही रहा है अच्छा, मतलब में इम्प्रूवमेंट जो होता है समय समय के हिसाब से सारी चीज आपका जो भी, फिर भी इम्प्रूवमेंट में तो ऐसा है कि भरोसा जीतना सबसे पहली बात है कि लोगों को जो आप काम कर रहे हैं वो एक काम में आप ऐसा काम करके दीजिए कि लोगों के मुंह पे एक ही नाम रहे, ऑस्ट्रेलिया जाना है फिनिक्स ही है, वही ले जा सकता है या वही अपना प्रोसेस कर सकता है, यही कोशिश में हम लोग आज कल। थैंक यू दिलीप जी आज ज्वाइन होने के लिए और हमारे साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। इट्स रियली नाइस स्पीकिंग टू यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर थैंक यू फिनिक्स।